कमाल बांडीपुरा ने आज सोपोर बांडीपुरा हाईवे से मुतसल 401 किनार अराजी से नाजायज कब्जा हटा लिया। नायब तहसीलदार अब्दुर्रशीद सोफी, नायब तहसीलदार मोहम्मद अशरफ गनाई और नायब तहसीलदार जीशान अहमद की सरबराही में महकमा माल की एक टीम ने आज बांडीपुरा के पुतुशई इलाके में 401 किनाल अराजी से नाजायज तजावजात हटाकर इसे अपनी तहवील में ले लिया। बांडीपुरा सोपोर हाईवे से मुतसल यह जमीन कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा के पास है। 401 किनाल की इस अराजी पर चंद एक मखसूस मकामी अशखास ने पिछले कई एक साल से कब्जा किया हुआ था और वह बाजाब्ता तौर पर इस पर धान की फसल भी उगाते थे। कई एक मकामी अफराद ने महकमा माल की जानिब से की जाने वाली इस इंसदाद तजावजात का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि इसे फ्रूट मंडी के लिए मुख्तस किया जाए ताकि बांडीपुरा में फ्रूट मंडी की एक देरीना मांग को पूरा किया जा सके। इनका कहना है कि दरअसल ये 400 कनाल की अराजी एक ऐसे इलाके में वाक़ है जिसके आसपास और मुल्हिका दर्जनों गांव में सेब के बागात कई एक बड़ी तादाद में मौजूद है। इनका कहना है कि क्योनोसा से लेकर उन्नागाम तक सैकड़ों की तादाद में मेवे के बागात और बांडीपुरा में मेवे की बेशतर पैदावार इन्हीं इलाकों से होती है और इन्हीं इलाकों में बेशतर अफराद मेवे की तजारत या सन्नत से वाबस्ता है। सड़क के मुतसल या सड़क के साथ होने की वजह से ये जगह फ्रूट मंडी के लिए बेहद मुनासिब है। आज की इस इंसदाद तजावजात मुहिम के बारे में नायब तहसीलदार जीशान अहमद ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सरकारी जमीन की इस बड़ी पट्टी जिस पर कई एक मकामी अफराद ने साल साल से कब्जा किया हुआ था, इसे हमने आज अपनी तहवील में लेकर इसे बाजाब्ता तौर पर बोर्ड भी चस्पा किया है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम जारी रहेगी जब तक न इस किस्म की 100% जमीन से कब्जा हटा लिया जाए। ड्राइव है, रूटीन का काम है और इसी जमन में आज फिर से हमने ये शुरू किया था काजीपुरा पुतुशई में। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा पैच आइडेंटिफाई किया था जो 401 कनाल और 13 मरला था, इसको हमने आज इविक्ट किया है और लोकल जो सरपंच कमेटी है इनके हवाले कर दिया है। पब्लिक पर्पज के लिए यूज होता है ये सारी जमीन। हमने यहाँ पे इनको बता दिया कि यहाँ पे एक फ्रूट मंडी बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो इसलिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि यूज पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक का जमीन है और पब्लिक के लिए यूज होगा और इसलिए ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें और खुद इविक्ट कर दी है। जी सर, देख सकते हैं लोग बड़ा अच्छा टाउन दे रहे हैं, खुशी खुशी खुद सरेंडर करते हैं जितनी भी इनके पास जमीन है। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि रेजिस्टेंस होगी लेकिन अभी तक हमें कोई रेजिस्टेंस वहां से नहीं दिखा।